दोस्तों आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों क्या आप जानते हैं कोरोना वायरस का नाम कोरोना ही क्यों रखा गया है? दोस्तों क्या आपको जानकारी है कि गाड़ी के नंबर प्लेट पर F क्यों लिखा जाता है और आखिर इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों आपने देखा होगा हर स्कूल बस पर अपने स्कूल का नाम होता है और ये बस में येलो कलर की पेंट होती है। पर दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ज़्यादातर स्कूल बस को पीले रंग से क्यों पेंट किया जाता है? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? अगर आपको नहीं पता तो आज हम आपको बताएंगे। अच्छा दोस्तों, आप अपने जीवन में कई सांप देखे होंगे। जी हाँ, स्नेक। ज़्यादातर सांप गांव के क्षेत्र में देखे जाते हैं। पर इतना तो आप जरूर जानते होंगे कि सांप अपनी जीभ को बार बार अंदर बाहर करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों करता है? अगर आपको नहीं पता तो आप ये भी जानेंगे आगे। साथ ही आज हम आपको सांप और नाग में अंतर भी बताएंगे। जी हाँ, शायद आपको लग रहा होगा सांप और नाग में क्या अंतर है। तो दोस्तों आपको बता दूँ, ये दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों में काफ़ी अंतर है। वेल दोस्तों, आप मुझे ये बताइए, वो दुनिया का कौन सा जानवर है जिसका आधार कार्ड बनाया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना भाई, इंसानों की तरह ही इसके उंगलियों के फिंगरप्रिंट लिए जा सकते हैं। तो भाई स्वागत है आप सभी का देश दुनिया इन्फो के और एक धमाकेदार एपिसोड में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा हमारे संग, ठीक है? फैक्ट नंबर वन, दोस्तों कुछ लोग वेट बढ़ने से बड़े परेशान होते हैं और ये सच बात है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा भी बच्चा होता है जिसका वजन रोज 2-4 किलोग्राम नहीं बल्कि करीब करीब 90 किलोग्राम बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो बच्चा होता है ब्लू व्हेल का, जो अपने पहले साल में हर रोज 90 केजी भारी होता जाता है। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों आपने देखा होगा कि लड़के लड़कियों को रिंग देकर प्रपोज करते हैं और शायद आपने भी किया होगा। पर दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है, इंसानों के अलावा भी क्या जानवरों के बीच में भी ऐसा कुछ हो सकता है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। दोस्तों पेंगुइन्स के बीच कुछ ऐसा ही होता है। अधिकतर प्रजातियों के पेंगुइन्स पूरी लाइफ के लिए किसी एक पार्टनर को ही चुनते हैं। पर आपको बता दूँ, अपनी पसंदीदा फीमेल पेंगुइन्स को पाने के लिए मेल पेंगुइन्स उसे सबसे स्मूथ और गोलाकार पत्थर देते हैं, और अगर फीमेल को वह पत्थर पसंद आ गया तो उसे अपने घोंसले में रख देती है और जल्दी दोनों साथ रहने लगते हैं, मानो प्रपोज करने के बाद शादी कर ली हो। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों अक्सर हम खाने पीने वाली चीज़ों को जल्दी ख़राब होने से परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है, एक ऐसा खाद्य पदार्थ भी है जो कभी ख़राब नहीं होता है। जी हाँ, शहद एक अकलौता ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि हजारों साल बाद भी ख़राब नहीं होता है। फैक्ट नंबर फोर, दोस्तों प्याज काटते वक्त आँखों से आंसू आना आम बात है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, अगर प्याज काटते वक्त च्युइंगम चबाई जाए तो आँखों में आंसू नहीं आते। फैक्ट नंबर फाइव, दोस्तों पासवर्ड एक यूनिक कोड होता है जिसे हम चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आइडियली हर किसी का पासवर्ड अलग अलग होना चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, हर किसी का पासवर्ड अलग अलग है? अगर आपने ऐसा सोचा है तो दोस्तों आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया में करीब 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का एक ही पासवर्ड है। जी हाँ दोस्तों, एक रिसर्च में इस बात का दावा किया गया है और वो पासवर्ड है 123456। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, ये पासवर्ड आसानी से हैक किए जा सकते हैं, इसलिए अगर आप भी ऐसा कोई पासवर्ड यूज़ करते हैं तो फौरन उसे बदल दीजिए। फैक्ट नंबर सिक्स, दोस्तों क्या आप जानते हैं कोरोना वायरस का नाम कोरोना ही क्यों रखा गया है? तो देखिए दोस्तों, असल में कोरोना शब्द का लैटिन भाषा में मतलब होता है क्राउन या मुकुट। दोस्तों कोरोना प्लाज्मा की एक आभा को भी कहा जाता है, जी हाँ, जो सूर्य और अन्य सितारों के चारों ओर होती है। दोस्तों आपको बता दूं, जब वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा तो उन्हें बिल्कुल क्राउन यानी सूर्य के कोरोना जैसा दिखाई दिया और वहीं से इसका नाम कोरोना रखा गया। फैक्ट नंबर सेवन, दोस्तों क्या आप जानते हैं भारत में वो कौन सा पेड़ है जिसकी सुरक्षा में 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है? जी हाँ दोस्तों, आप देश के बॉर्डर के बारे में अच्छे से जानते हैं, पुलिस वहाँ पहरा देती है, हमें सुरक्षा करती है। दोस्तों अपने VIP लोगों के आगे पीछे भी कई पुलिस वालों को देखा होगा जो उनकी सुरक्षा में हर समय तैनात रहते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी इस बारे में सुना है कि पुलिस वाले एक पेड़ की सुरक्षा में तैनात है? क्या आपने कभी VIP पेड़ के बारे में सुना है? अगर नहीं तो अब देख लीजिए। जी हाँ, इस पेड़ को बोधि ब्रिज कहा जाता है जो बिहार राज्य में स्थित है। फैक्ट नंबर एट, दोस्तों जब भी आप कोई 2-व्हीलर या 4-व्हीलर शोरूम से खरीदते हैं तो आपको एक टेम्पररी नंबर दिया जाता है, और यदि आपको टेम्पररी नंबर नहीं दिया जाता तो आपकी नंबर प्लेट पर F लिखा जाता है। क्या आपको पता है F क्यों लिखा जाता है और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अप्लाइड फॉर,
यानी कि आपने गाड़ी के नए नंबर के लिए अप्लाई किया हुआ है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रिंट होने वाली बुक कौन सी है, तो शायद आप बाइबिल, कुरान या गीता के बारे में सोचेंगे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फर्नीचर एंड होम एक्सेसरीज बेचने वाले आइकिया स्टोर का कैटलॉग दुनिया में सबसे अधिक प्रिंट होने वाली बुक का रिकॉर्ड रखता है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 24 भाषाओं में इसकी हर साल 20 करोड़ प्रतियां छपती है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं ज़्यादातर स्कूल बस को पीले रंग से क्यों पेंट किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, दरअसल स्कूल बस को पीले रंग का इसलिए पेंट किया जाता है क्योंकि पीला रंग हमें जल्दी आकर्षित करता है, और यह देखा गया है कि आमतौर पर हमारे दैनिक जीवन में जब हम अनेक रंगों के बीच आते हैं तो पीला रंग आंखों में सबसे अधिक दिखाई देने वाला रंग होता है, इसलिए ज़्यादातर बसों को पीले रंग से पेंट किया जाता है। चलिए साथ ही जान लीजिए अगला फैक्ट, फैक्ट नंबर 11। दोस्तों यूँ तो अल्फ़ाबेट ए इंग्लिश का वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अल्फ़ाबेट है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं जब हम नंबर्स को इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं, जैसे कि ONU1, TWO2, तो किस नंबर को लिखने में पहली बार अल्फ़ाबेट ए का प्रयोग करना पड़ता है? दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूँ, वो नंबर है 1000। जी हाँ, 1 से लेकर 999 तक किसी नंबर को लिखने में ए की ज़रूरत नहीं पड़ती। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों क्या आप जानते हैं सांप अपनी बार बार जीभ क्यों निकालता है? अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए आज। दोस्तों दरअसल ऐसा माना जाता है कि सांप की कई प्रजातियां ऐसी हैं जो अपनी जीभ से सुन सकते हैं, यानी कि सांप अपनी जीभ का इस्तेमाल अपने शिकार को सूंघने और सुनने के लिए करता है, इसलिए वो अपनी जीभ को बार बार अंदर बाहर करता है। फैक्ट नंबर 13, अच्छा दोस्तों क्या आपको पता है सांप और नाग में क्या अंतर होता है? आपको शायद लग रहा होगा ये दोनों जीव देखने में तो एक जैसे होते हैं, पर आपको बता दूं, सांप की ज़्यादातर प्रजातियां जहरीली नहीं होती हैं। सांप की जाति में केंचुए, अजगर आदि जैसे सांप गिने जाते हैं। वही अगर नागों की बात की जाए तो नाग काफ़ी जहरीले होते हैं। दुनिया भर में नागों के काफ़ी मंदिर और ज्योतिर्लिंग हैं, जबकि सांपों के मंदिर नहीं होते हैं, पर वो केवल जीवों में गिने जाते हैं। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों आप अपने आसपास में कई सपेरा देखे होंगे, और साथ में आपने ये भी ज़रूर देखा होगा कि जब सपेरा बीन बजाता है तो सांप बीन की धुन पर नाचने लगता है। पर दोस्तों क्या आपको पता है, कभी सोचा है आपने सांप ऐसा क्यों करता है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है? तो दोस्तों आपको बता दूं, सांप कभी भी हवा में मौजूद किसी भी ध्वनि को सुनकर कोई रिएक्ट नहीं करता है, बल्कि धरती से निकलने वाले कंपन यानी वाइब्रेशन को अपने हड्डी के जरिए महसूस करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सांप केवल अपने आसपास की चीज़ों को ही क्लियर देख पाता है, इसलिए जब सपेरा बीन बजाता है और अपनी बीन को इधर उधर घुमाता है तो सांप उसको महसूस करके इधर उधर होता है, और आप सोचते हैं कि सांप नाचने लगता है। चलिए दोस्तों साथ ही जान लीजिए अगला और अंतिम फैक्ट, फैक्ट नंबर 15। दोस्तों क्या आप जानते हैं वो कौन सा जानवर है जिसका आधार कार्ड बनाया जा सकता है? जी हाँ, इस जानवर का नाम है कोआला, और यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आपको बता दूँ, कोआला की हाथों की उंगलियाँ बिल्कुल इंसानों के उंगलियों के जैसे ही होती है, आप इस तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं। अब आपको तस्वीर देख के इतना तो पता चल गया होगा कि इसके हाथों की उंगलियों के फिंगरप्रिंट लिए जा सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताए, आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा फैक्ट्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपके पास भी कोई फैक्ट्स हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, हमें पढ़ने में अच्छा लगेगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ऐसी वीडियोस देखने के लिए और अपनी ज्ञान बढ़ाने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।